कल 12 फरवरी यानी नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा की घड़ी। यह तय है कि जितने भी बिहार में पार्टी हैं सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो। मैंने आपको बताया था कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट विधानसभा में होना है कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है या नहीं है। नीतीश कुमार के पार्टी के कई विधायक नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज हैं कि तेजस्वी यादव के साथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिए। 17 महीना में जो काम हुआ वह काम जनता के सामने है, और सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। इस फैसले से जदयू के विधायकों में नाराजगी है। कल जदयू के मंत्री श्रवण कुमार के यहाँ विधायकों की बैठक थी जिसमें दर्जनों विधायक गायब थे। नीतीश कुमार पहुँचे, आग बगुला होकर वापस हो गए। उधर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बैठक बुलाई गई थी, सारे विधायक मौजूद थे और उन सारे विधायकों को अभी राबड़ी आवास, तेजस्वी के आवास पर रोक रखा गया है। डर राजद को भी है। उधर कांग्रेस ने हैदराबाद विधायकों को भेजा। इधर भारतीय जनता पार्टी बोध गया में प्रशिक्षण के नाम पर विधायकों को पहुंचा दिया। तो सभी पार्टी में तोड़ फोड़ का डर है। राष्ट्रीय जनता दल का दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी चूंकि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जदयू के नेताओं में वह उत्साह नहीं देखा जा रहा है, वह बढ़ा हुआ मनोबल नहीं देखा जा रहा है। कहीं न कहीं जदयू में डर है कि नीतीश की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट के पहले इस्तीफा दे देंगे, यह चर्चा है। जो परिस्थिति बिहार में बनी है कि नीतीश कुमार ने अपने छवि को जनता के सामने नेस्तनाबूद कर दिया, अब जनता खुलकर बोलती है कि यह पलटू राम अगर भाजपा ने नाम दिया था तो वाकई में ये पलटू राम है, पलटू चाचा है। ये किसी के विश्वास के लायक नीतीश कुमार नहीं है। 17 साल में नीतीश कुमार ने जो नहीं किया वो 17 महीना में उप मुख्यमंत्री रह के तेजस्वी ने किया, यह लोगों की जुबान पर है। अब कल का दिन मुकर्रर है कि विधानसभा में नीतीश को बहुमत सिद्ध करना है। अब कई विधायक गायब होते हैं, कई विधायक जदयू को छोड़ते हैं, यह कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर जदयू में डर का माहौल है। जदयू के कोई भी नेता खुलकर तेजस्वी का विरोध नहीं कर रहे, ना ही जदयू के कोई नेता खुलकर फ्लोर टेस्ट में जीत की बात कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस खेल में कहीं न कहीं हराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश को अपने साथ लाकर हराकर राष्ट्रपति शासन लागू कराकर नीतीश को मट्टी पलीद करना चाहते हैं। अब वक्त रहते ही पता चल पाएगा कि चर्चा जो आम है कि भाजपा के गेम में फंस गए नीतीश कुमार, यह देखने योग्य बात होगी। आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी होने के कारण आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने राज्यसभा नहीं भेजा, आरसीपी सिंह को दल से निकाला। और कहा जाता है कि राजद के करीबी ललन सिंह होने के कारण ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।
तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार अपने सामने किसी भी नेता को जदयू में बढ़ने देना नहीं चाहते। आरसीपी सिंह को काटा, ललन सिंह को काटा, और अपने इस मोनोपोली राजनीति के चलते नीतीश कुमार के विरोधी विरोध करते हैं। आरसीपी सिंह जिन्हें उसने आरोप लगाया कि वो भाजपा के सहयोगी बन गए हैं, आज वो भाजपा में ही हैं। चिराग पासवान जिसने घूम घूम के विधानसभा में नीतीश कुमार के विधायकों को हराने का काम किया, आज वो चिराग पासवान भाजपा में ही हैं। तो कैसे नीतीश कुमार अपने आप को सुरक्षित समझकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, बहुत बड़ा प्रश्न है यह। क्या नीतीश कुमार ईडी सीबीआई के डर से हाथ मिलाया? क्या नीतीश कुमार की कोई और मजबूरी है? कहा नहीं जा सकता। ललन सिंह ने सदन में कहा कि हमारे या नीतीश कुमार के ऊपर कभी ईडी सीबीआई ने छापा नहीं मारा, तो कहीं न कहीं संकेत है कि ईडी सीबीआई ने छापा इसलिए नहीं मारा कि मैं भाजपा की बात मानता हूं, कहा जा सकता है। लेकिन जो मुख्य बातें हैं कि राजद की तैयारी अपनी है, कम्युनिस्ट की तैयारी अपनी है, कांग्रेस की तैयारी अपनी है, भाजपा की तैयारी अपनी है और जदयू की तैयारी अपनी है। अब देखना है कि कल के फ्लोर टेस्ट में क्या नीतीश कुमार बहुमत सिद्ध कर पाते हैं, क्या नीतीश कुमार के पार्टी के जो नाराज विधायक हैं वो अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं, क्या राजद पर फेंका गया डोरा भाजपा के द्वारा सफल होता है या भाजपा के कुछ विधायक अनुपस्थित होते हैं। यह सारी बातों की जो चर्चा चल रही है, इन सारे बातों का अंत कल के दिन यानी सोमवार को होना तय है। मुकर्रर है तारीख कि नीतीश कुमार का बहुमत सिद्ध करना है। अब नीतीश कुमार की सरकार गिरती है कि बचती है यह कल ही वक्त रहते पता चल पाएगा। लेकिन 24 घंटा का वक्त हर पार्टी के नेताओं के लिए बहुत ही कठिन वक्त है। कुछ भी संभव है, क्योंकि तेजस्वी ने कहा कि अभी खेल बाकी है और खेल बाकी के डर से भाजपा जदयू में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। हम के जीतन राम मांझी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से, यह भी तय माना जा रहा है। तब क्या नीतीश कुमार गिरते हैं, क्या तेजस्वी बनते हैं मुख्यमंत्री, क्या जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनते हैं, वह कल ही पता चल पाएगा, जिससे मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन यह तय मान लें और यह समझ लें कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। युवाओं में खलबली सी मच गई कि क्या अच्छा नौकरी मिल रही थी लोगों को, आज नीतीश के कारण यह रफ्तार धीमा हो गया। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में जनता का सामना करना होगा, तो बुरा फंसेंगे नीतीश कुमार, यह तय माना जा रहा है। यह सत्ता का लोभ और यह सिचुएशन जो बना, इस सिचुएशन में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को होना है आगामी चुनाव में, तो वो जदयू और नीतीश कुमार को होना है। क्योंकि यह आम लोगों की चर्चा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अब वक्त रहते यह भी देखना होगा कि जनता क्या करती है, लेकिन अब तक के माहौल के मुताबिक नीतीश कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कल का वक्त है, कल देखना है नीतीश कुमार क्या बहुमत सिद्ध कर पाते हैं, या सरकार गिरती है या इस्तीफा देते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या राजनीति अंदर अंदर हुई। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।